हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे टिंडल इफेक्ट की, जिसको हमारे एक महान साइंटिस्ट टिंडल जी ने दिया था। ठीक है, तो बेटा उसको समझने के लिए अभी हम एक एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली आपको दिखा रहा हूं मैं, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले लाइट्स ऑफ करना पड़ेगा। ओके, लाइट्स मैंने ऑफ कर दिया, नाउ मैं ढूंढ रहा हूं अपने प्रैक्टिकल्स का सामान, मिल गया। ओके, अभी देखो बेटा, अभी आपको लाइट का पाथ दिख रहा है? यार अभी नहीं दिख रहा सर। यस, दिख रहा है लाइट का ये पाथ? ओके, ये यहां 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 पे नोटिस करो, आपको पाथ दिख रहा रहेगा। यस सर, दिख रहा है, एकदम क्लियर दिख रहा है। यस तो यही है हमारा टिंडल इफेक्ट बेटा। यहां पे हो क्या रहा है, जब हम ये टॉर्च जला रहे हैं, यहां पे से क्रॉस कर रहा है, तो अंदर जो कोलाइडल पार्टिकल्स है, वो पार्टिकल का साइज जो है ना, इतना छोटा भी नहीं है कि वो पूरी तरह पानी में डिजॉल्व हो जाए, और इतना बड़ा भी नहीं है कि वो जाके नीचे सेटल हो जाए। तो नीदर दे डिजॉल्व और नॉर दे सेटल डाउन, तो वो पार्टिकल इसमें मूव करते रहते हैं। देखो, अब इसके पाथ को सबसे पहले टिंडल जी ने नोटिस किया था इसी एक्सपेरिमेंट से। आपको दिख रहा है ये जो पाथ है यहाँ पे, ये देखो अभी मूव कर रहा है, ये पाथ पूरा पूरा दिख रहा है, इसके पार्टिकल्स हमको दिख रहे हैं बेटा। तो ये होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। ये आपने नोटिस किया रहेगा बेटा, सुबह सुबह घर में खिड़की से देखो, आपने नोटिस किया रहेगा जब लाइट की किरण आती है ना, लाइट्स ऑन कर दे रहा हूं, जब खिड़की से लाइट की किरण आती है, ठीक है, तो आपने देखा रहेगा कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में, एयर में डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं, वो आपको दिख रहा रहेगा ऐसे मूव करता हुआ, आपको दिख रहा रहेगा, एकदम रोशनी आती है और आपको दिख रहा रहेगा। तो वो डस्ट पार्टिकल्स पे क्या होता है, स्कैटरिंग होता है लाइट की। वो भी सबसे अच्छा एग्जांपल है टिंडल इफेक्ट का, है ना, कि वो डस्ट पार्टिकल्स हमको दिखते हैं, जो हमारे एयर में सस्पेंशन मिक्स है पार्टिकल्स, वो हमको दिखते हैं। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता क्या है, देखिए फिजिक्स का पार्ट है, लाइट का पार्ट है, ठीक है, जिसको जब 10th अब्दुल करीम सर आपको पढ़ाएंगे तो वहां पे वो इसको डिटेल में बताएंगे। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब होता है जब लाइट एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल, जो सबसे छोटे, बहुत छोटे पार्टिकल पे टकराती है ना, तो वो डेविएट हो जाती है, उसके डेविएशन की वजह से, उसका रिफ्लेक्शन की वजह से उसका पाथ विजिबल होता है। मतलब जो डस्ट पार्टिकल जहाँ पे है उसका पूरा रास्ता हमको दिखता है, वो विजिबल हो जाता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और उस स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से हमने अभी कोलाइडल पार्टिकल्स के पाथ को देखा इस इफेक्ट में, और वही हमारा क्या है, टिंडल इफेक्ट। ठीक है बच्चों, तो ये इसके हमने टिंडल इफेक्ट के बारे में बात की कि किस तरह कोलाइडल पार्टिकल जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट दिखाते हैं, और इसको हम टिंडल इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो अभी कोलाइडल सॉल्यूशन के कुछ टाइप जो है उसको देख लेते हैं। तो बेटा कोलाइडल सॉल्यूशन के टाइप देखने के लिए दो चीजें पहले मैं वापस बता दूं, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम। जिस तरह सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है, ठीक उसी तरह डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम होता है। अभी नमक को मैं पानी में डालना हो तो नमक क्या हो गया, सॉल्यूट, पानी क्या हो गया हमारा, सॉल्वेंट। और मैंने ये भी बताया था, जो कम अमाउंट में हो उसको सॉल्यूट बोलते हैं, और जो ज्यादा अमाउंट में हो वो सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह डिस्पर्स्ड फेज जो है, यानी कि जो कम अमाउंट में रहेगा कम, वो डिस्पर्स्ड फेज, जो ज्यादा अमाउंट में रहेगा ज्यादा, वो डिस्पर्जन मीडियम, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जैसे ही, ठीक है, मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट का दूसरा नाम आप बोल दो, ठीक है। और मैं यहां पे बोल रहा हूं कोलाइडल टाइप्स ऑफ कोलाइड या कोलाइडल पार्टिकल, टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है भाई। तो देखो सोल नाम रखा गया, सोल, जब हम क्या करते हैं सॉलिड को, सॉलिड कम होगा याद रखिए, मतलब छोटे छोटे सॉलिड को जब हम लिक्विड में मिक्स कर देते हैं, लिक्विड में मिक्स करते हैं सॉलिड को, ठीक है, मतलब लिक्विड जो होगा ज्यादा क्वांटिटी में होगा और सॉलिड जो होगा वो कम क्वांटिटी में होगा, तो इससे जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है उसका नाम है सोल। और उसका एग्जांपल बेटा आपको पता होगा, इंक है ना, अभी इंक क्रोमेटोग्राफी में मैं आपको बताऊंगा भी कि इंक को किस तरह हम सेपरेट करते हैं वाटर से, तो आपको पता चलेगा कि जो इंक जो है उसके अंदर डाई है और वाटर है, डाई जो है वो सॉलिड है, और जो हमारा वाटर, जैसे देख लो अभी ये इंक है ना, अभी इस इंक के अंदर बेटा, ठीक है, अभी मैं इसमें देखो मिक्स कर रहा हूं, अभी मैं अगर मिक्स करूंगा ये देखो, तो अभी जब मैं इसमें मिक्स करूंगा बेटा, तो अभी आप देखो, अभी आपको सॉलिड के पार्टिकल नजर आएंगे, ये देखो दिख रहा है,
इस बात का एविडेंस है कि ये सॉलिड है, देखो ना, ये सॉलिड के अंदर लिक्विड था, ये देखो अभी आपको दिख रहा है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे, मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको निकाल रहा हूँ, जस्ट लाइक दैट। क्या ये आपको दिख रहा है पूरा पूरा लिक्विड? जी नहीं, थोड़ा सा सॉलिड मिला हुआ है इस लिक्विड के अंदर, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल है बेटा? इंक। इंक एग्जाम्पल है सोल का, ठीक है। तो ये बात हो गई। उसी तरह बेटा हम बात कर लेते हैं, अच्छा यहाँ पे इंक बोल देता हूँ, इंक और सोप सॉल्यूशन ले लो, सोप सॉल्यूशन में भी वही होता है बेटा, ठीक है। चलो दूसरा है हमारा सॉलिड सोल, क्या है सॉलिड सोल। अब सॉलिड सोल की अगर मैं बात करूं तो यहां पे डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों भी सॉलिड होते हैं, इसलिए बोलते हैं सॉलिड सोल, दोनों भी सॉलिड होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल है बेटा गेमस्टोन्स, गेमस्टोन्स पता होगा आपको, छोटे छोटे जो होते हैं, है ना, इस तरीके से। रूबी बहुत फेमस है, रेड कलर में होता है वो रूबी, ठीक है। अगर नहीं जानते हो तो एक बार गूगल सर्च कर लेना, छोटी छोटी चीज है ना, बहुत सब चीजों की हिंदी नहीं होती है, या अगर होती होगी तो भाई मुझे पता नहीं, ठीक है। सॉलिड सोल। उसके बाद बेटा एरोजोल, एरोजोल तो नाम ही है एरोजोल, तो यहां पे क्या होने वाला है, गैस की बात होने वाली है, ठीक है। तो बेटा अभी गैस में अगर सॉलिड रहे, गैस में अगर सॉलिड मिलाते हैं तो वो होता है एरोजोल। जैसे एरोजोल का एग्जांपल क्या है, हाँ सबसे बेस्ट एग्जांपल आप ले लो स्मोक, ठीक है। गैस में सॉलिड होता है स्मोक में, धुएं में। उसी तरह एरोजोल में ही बेटा, एरोजोल में ही लिक्विड और गैस का भी एरोजोल होता है, मतलब गैस के अंदर हम लिक्विड रहेगा, गैस की क्वांटिटी ज्यादा रहेगी, लिक्विड की क्वांटिटी कम रहेगी। क्या है उसका एग्जांपल? फॉग है बेटा, हेयर स्प्रे है, क्लाउड है, फॉग कुहासा कोहरा जिसको बोलते हैं, ठंडी के मौसम में होता है, हेयर स्प्रे। इसके अलावा और ले लो भाई, क्लाउड जो बादल है हमारे, वो भी क्या है, लिक्विड एंड गैस के एग्जांपल्स है, मतलब एरोजोल है, ठीक है। इसी तरह बेटा इमल्सन होता है, इमल्सन, इमल्सन क्या होता है, लिक्विड लिक्विड का मिक्सचर, डिस्पर्स फेज भी लिक्विड और डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड, तो दोनों भी लिक्विड रहेंगे तो क्या होगा, वो हमारा होगा इमल्सन। एग्जाम्पल क्या बेटा, बटर हो गया, मिल्क हो गया, ये सारे एग्जाम्पल क्या है इमल्सन का, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारा मिल्क है उसके अंदर क्या होता है, मिल्क के अंदर होता है फैट, मिल्क के अंदर होता है प्रोटीन, तो मिल्क के अंदर अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं बेटा, ठीक है। मैं आपको इससे पहले लेक्चर्स में बता चुका हूं कि मिल्क जो है वो एक मिक्सचर का एग्जांपल है, मतलब वो प्योर नहीं है, ठीक है। तो ये बात हो गई इमल्सन की बेटा, ठीक है। उसी तरह आपने जेल देखा रहेगा, अगर मैं बात करूं सॉलिड एंड लिक्विड की, लेकिन सॉलिड एंड लिक्विड बराबर क्वांटिटी में होंगे हर जगह पे, तो वो उसका एग्जांपल हो जाएगा जेल का। किसका एग्जांपल हो जाएगा? जेल का, जहां पे सॉलिड होगा और लिक्विड होगा, लेकिन याद रखना ये डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे इक्वल क्वांटिटी में, डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे इक्वल क्वांटिटी में, ठीक है। तो बेटा सॉरी लाओ तो ग्लूकोज यार, अभी ये सामने रखा हुआ यार, ट्रिम कर दूंगा, ठीक है। उसी तरह फोम, फोम जो होता है बेटा गैस होते हैं कुछ सॉलिड में, जैसे
एग्जाम्पल ले लो आप सोप का बबल्स, या आप ले लो सेविंग क्रीम, है ना, सेविंग क्रीम। उसी तरह हमारा होगा सॉलिड फोम, ठीक है। सॉलिड फोम में क्या होगा, एक मिनट बचा, यहां पे करेक्शन कर लेना, यहां पे लिक्विड होना चाहिए, यहां आएगा सॉलिड हमारा, ठीक है। तो सॉलिड के अंदर गैस आपने देखा रहेगा स्पॉन्ज, है ना, स्पॉन्ज देखा रहेगा, ब्रेड तो जानते हो, ब्रेड जो खाते हो, तो ब्रेड के अंदर क्या होता है, सॉलिड रहता है, सॉलिड के अंदर क्या रहता है बेटा, गैस रहता है, जिसकी वजह से वो स्पॉन्जी दिखता है कि नहीं। या फिर आपने स्पॉन्जी देखा होगा, कभी कभी देखो ना व्हाइट बोर्ड को या ब्लैक बोर्ड को अपन स्पॉन्जी लेके आते हैं उसको इरेज करने के लिए, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर गैस भरा होता है सॉलिड के अंदर, तो सॉलिड के अंदर गैस रहेगा तो क्या बोलेंगे उसको, सॉलिड फॉर्म। तो एग्जांपल हम बोल सकते हैं क्या, स्पॉन्जी ब्रेड, ठीक है। तो ये बेटा है टाइप्स ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स और कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। तो अभी हमने, अभी तक हमारा बेटा पूरा पूरा क्या कंप्लीट हो गया, टिंडल इफेक्ट कंप्लीट हो गया, कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन, ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई। तो अभी हम आगे बात करेंगे, मैं बात करूंगा फिजिकल एंड केमिकल चेंज की, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। अगर हम बात करें बेटा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज की, तो मैं आपको बता दूं, फिजिकल चेंज उस चेंज को बोलते हैं जो टेम्पररी हो, और केमिकल चेंज उस चेंज को बोलते हैं जो परमानेंट हो। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया है, और मैं फिर से बता रहा हूं कि जब हम दूध से दही बनाएंगे, मिल्क से कर्ड बनाएंगे, तो क्या कर्ड से मिल्क वापस आ सकता है, नहीं आ सकता, वो परमानेंट चेंज हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूं मैंने वाटर को बॉईल किया, बॉईल करने के बाद वेपर बन गया, गैस बन गया, क्या उससे मैं वापस वाटर ला सकता हूं, बिल्कुल ला सकता हूं, कूल कर दूंगा, जिसको कंडेंसेशन बोलते हैं। ऑलरेडी हम कौन से चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में देख चुके हैं, मैटर इन सराउंडिंग अस में, है ना, वहाँ पे हमने देखा है कि भाई जो जो वाटर होते हैं उसको जब हम बॉयल करते हैं तो क्या हो जाता है, वो इवेपोरेट हो जाते हैं और वेपर बन जाते हैं, उस वेपर को वापस कूल करोगे तो वापस लिक्विड बन जाएगा। मतलब वो क्या है बेटा, टेम्परेरी चेंज है। तो मैं यहाँ पे ऐसे बोल सकता हूँ कि फिजिकल चेंज जो है वो होता है टेम्परेरी चेंज, टेम्परेरी चेंज। जबकि केमिकल चेंज की बात करें तो ये होता है परमानेंट चेंज, परमानेंट चेंज, ठीक है। उसी तरह बेटा फिजिकल चेंज जो होता है वो रिवर्सिबल है, देखो ना रिवर्स आ गया, है ना, हमने वाटर से वेपर बनाया, वेपर से वापस वाटर आ गया, या आइस, आइस से वाटर बना सकते हो, वाटर को फिर से फ्रिज में डाल दो, है ना, क्या बन जाएगा, वो आइस बन जाएगा। तो वो क्या है बेटा, रिवर्सिबल है ना, फिजिकल प्रोसेस कैसा है, रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है, वापस आ सकता है, रिवर्स कर सकते हैं इसको। केमिकल चेंज की बात करें ना तो ये यूजुअली इरिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल। देखिए कुछ रिएक्शंस होते हैं, कुछ चेंज होते हैं केमिकल चेंज जो रिवर्स भी हो जाता है, कुछ होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो होता है ना वो इरिवर्सिबल ही होता है, ठीक है। उसी तरह मैं बेटा और आगे बात करूं, और उससे पहले एक चीज और मैं बता दूं आपको, टेम्प्रेरी चेंज और परमानेंट चेंज में। अभी मैंने क्या बोला कि फिजिकल चेंज इज टेम्प्रेरी चेंज, ठीक है, एंड केमिकल चेंज इज परमानेंट चेंज, केमिकल चेंज इज परमानेंट चेंज। तो अभी देखो, अब एग्जांपल देखो, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, मैंने ग्लास को तोड़ दिया, तो जब ग्लास को तोड़ूंगा तो ग्लास कौन सा चेंज हुआ, फिजिकल या केमिकल? ग्लास तो टूट गया है, टेम्प्रेरी चेंज हो गया, अब वो तो ब्रेक हो चुका है, वापस ग्लास तो नहीं बना सकते। अब आपने जो ग्लास लिया था उसको छोड़ दिया, नीचे गिरा, गिरने पर टूट गया, उसके बहुत सारे टुकड़े हो गए। अब उस ग्लास के छोटे 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 टुकड़े हो गए, आप उसको वापस जोड़ सकते हो क्या, वापस ग्लास बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते। मतलब क्या है बेटा, वो टेम्परेरी हो गया या परमानेंट? चेंज तो परमानेंट हो गया, तो क्या वो केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है? उसके बाद भी फिजिकल चेंज है। क्यों फिजिकल चेंज है? क्योंकि उसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, जो हमारा तीसरा पॉइंट है, देखो समझो, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, ये इंपॉर्टेंट है इसको, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, यहां पे ऑलवेज न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड,
सबसे बड़ा फर्क बेटा यही है, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लू पेन से लिख दिया ताकि ये हाईलाइट हो जाए, क्योंकि अभी हमने देखा कि भाई कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं, फिजिकल चेंज ज़्यादातर जो होते हैं जनरली टेम्प्रेरी होते हैं, लेकिन कुछ चेंज ऐसे हैं जो परमानेंट भी हैं, कुछ फिजिकल चेंज ऐसे हैं जो परमानेंट है। हमने देखा ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ग्लास टूट गया परमानेंट चेंज हो गया, वो वापस ग्लास को वापस नहीं ला सकते। उसी तरह कुछ चेंज जो होते हैं, जैसे मैंने बोला इरिवर्सिबल, केमिकल चेंज हमेशा इरिवर्सिबल यूजुअली बोला, लेकिन कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं, कुछ ऐसे केमिकल चेंज हैं जो वापस रिवर्स भी हो जाते हैं, ठीक है। उसी तरह तो ज़रूरी नहीं है, तो सबसे बड़ा फ़र्क क्या है, सबसे बड़ा फ़र्क क्या है कि नया सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंस अगर बन रहा है तो वो हो गया हमारा फिजिकल चेंज, सॉरी वो हो गया हमारा केमिकल चेंज, और न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा है तो वो हमारा हो गया फिजिकल चेंज, ठीक है। इसके अलावा और मैं बात करूं तो बेटा द मास ऑफ सब्सटेंस डू नॉट चेंज, मतलब उसका कंपोजिशन जिससे मिलकर बनाओ वो चेंज नहीं होगा, जबकि इसमें बेटा क्या होगा, मास ऑफ सब्सटेंस चेंजेस, याद रखिएगा वो क्या हो जाता है बेटा, वो चेंज हो जाता है। उसी तरह और मैं बात करूं तो इसमें लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी इज रिलीज्ड और एब्जॉर्ब, अगर होगा तो बहुत कम अमाउंट में, वैसे बहुत कम होता है, अगर होगा भी तो बहुत कम अमाउंट में, लेकिन इसमें क्या होगा, लार्ज अमाउंट में हीट एनर्जी जो है हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में लार्ज अमाउंट में रिलीज होगा, ठीक है। तो ये बेसिक्स बातें थी फिजिकल और केमिकल चेंज में, क्या समझा, दूध से दही अगर हमने बना लिया तो वापस दही से दूध नहीं बना सकते, केमिकल चेंज। एक बार फल पक गया है ना, जैसे आम है, आम एक बार पक गया तो क्या आम वापस कच्चा बन सकता है, जी नहीं, वो हो गया केमिकल चेंज, ठीक है। हमने ग्लास को तोड़ दिया, ग्लास वापस नहीं आ सकता, लेकिन ग्लास टूटने के बाद कोई नई चीज नहीं बन गया, जब ग्लास टूट गया तो उसके छोटे छोटे जो टुकड़े हैं वो भी ग्लास ही है, उसका कंस्टिट्यूएंट जिससे बना वो वही है, वो चेंज नहीं हुआ, इसीलिए वो फिजिकल चेंज में है, क्योंकि वहां पे नया सब्सटेंस नहीं बना, उसके छोटे छोटे पार्टिकल भी ग्लास ही रहे, समझ में आया। तो ब्रेकिंग ऑफ ग्लास इज अ फिजिकल चेंज, ठीक है। रिपनिंग ऑफ फ्रूट जो पक गया वो केमिकल चेंज। घर में जो खाना बनता है, कुकिंग ऑफ फूड, खाना पक गया आप कच्चा नहीं हो सकता, केमिकल चेंज। डाइजेशन ऑफ फूड, हमने जो खाना खाया वो डाइजेस्ट हो गया, वापस रॉ नहीं हो सकता, कच्चा नहीं हो सकता। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के। आई होप आपको फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज समझ में आया होगा। याद रखना, इसी से रिलेट करके हमारा 10th स्टैंडर्ड, जब आप 10th स्टैंडर्ड में आओगे या जब मैं 10th स्टैंडर्ड आपको पढ़ाऊंगा, तो बेटा इसी चीज को, इसी के ऊपर एक लेसन है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, जहां पे सबसे पहले फिजिकल और केमिकल चेंज को वापस देखना है, और फिर क्योंकि अगर आप यहां पे एक समझ में आया रहेगा आपको तो बहुत आसानी समझोगे, और वहां पे भी वैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा, और फिर हम स्टार्ट करेंगे वो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला लेसन, ठीक है। गुड बाय।